जयपुर शहर पर्यटन नगरी के रूप में विश्वविख्यात है। गुलाबी शहर में अनेक ऐतिहासिक स्मारक और पर्यटन स्थल देशी और विदेशी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर साल इन पर्यटन स्थलों को देखने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। जयपुर शहर के बीचों बीच परकोटे इलाके में बनाई गई ईसरलाट यानी सरगासूली स्मारक एक प्रमुख स्मारकों में से एक है। पेश है एक रिपोर्ट। जिसे देखकर हर कोई निहारने पर मजबूर हो जाता है, जयपुर आने वाला हर पर्यटक ईसरलाट को देखने अवश्य जाता है। यहाँ पे बेसिकली सरगासुली देखने आते जाते हैं लोग, और त्रिपुलिया बाजार फेमस ही सरगासुली के लिए ही है। यहाँ पे सबसे पुराना मार्केट ही यही है जयपुर का। यहाँ पे बहुत सारी तरह की शॉप्स हैं, एक ही मार्केट के अंदर कई सारी शॉप्स हैं और वो भी सालों पुरानी शॉप्स हैं। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है। मतलब मुंबई जैसी भीड़ जैसी जगह से हम लोग आए हैं, लेकिन यहाँ की जो भीड़ है वो एक अलग अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब इट्स मोर ऑफ लाइक टुगेदरनेस वाली फीलिंग आती है, और ये स्पेशली मतलब ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। बहुत ही इतना बंद सा है बट फिर भी बहुत एयरी है और बहुत लाइट है अंदर, और ऊपर जाने के बाद नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है। मतलब पूरा जयपुर देख लिया हम लोग ने एक नज़र में। आप फोर्ट बोलो, आप सिटी बोलो, सब पिंक सिटी बोलते हैं। आज हम लोग ने वो वाकई एक्सपीरियंस कर लिया। रियली लव दिस सिटी। इसका इस मंजिल का निर्माण सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर शहर बसाया था, उनके ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह और उनके छोटे भाई सवाई माधो सिंह, उन दोनों में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, जो 1749 में उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में सवाई ईश्वरी सिंह विजय हो गए थे, और उसी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने ये विजय स्तंभ बनाया है। इसको ईसरीलाट इसलिए भी बोलते हैं। ये 7 मंजिला इमारत है और तकरीबन 149 फीट इसकी हाइट है, और अष्टकोणीय इसका वो है आर्किटेक्चर। जी बिल्कुल, यहाँ से पूरा जयपुर शहर देखा जा सकता है। अगर ऊपर चढ़ के हम जैसे देख के आए थे तो यहाँ से पूरा हवा महल दिखता है, यहाँ से सिटी पैलेस दिखता है, और ये पूरा ये छोटी चौपड़ रोड है ये पूरी दिखती है, और जयपुर शहर का नारगढ़ दिखता है। लगभग पूरा नज़ारा लिया जा सकता है यहाँ से, और यहाँ पे अक्सर लोग फोटोग्राफी के लिए और प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए भी यहाँ आते हैं। व्यू बहुत ब्यूटीफुल था, वेरी व्यूज ऑफ जयपुर एवरीवेयर वर नाइस, लॉट्स ऑफ पीपल अप देयर, स्मॉल अपस्टेयर्स, बट व्यू ऑफ द फोर्ट्स एंड एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल। या इट्स द हाईएस्ट पॉइंट आई थिंक इन द सिटी, द मेन सिटी एरिया, एंड यू कैन सी एवरीथिंग फ्रॉम अराउंड 360 डिग्री व्यू, नाइस। महाराजा सवाई जयसिंह की 1743 में मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए उनके ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह और सौतेले भाई माधो सिंह के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजयी रहे। इस विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने इस 7 मंजिला इमारत का निर्माण 1749 में करवाया। ईसरलाट की खास बात यह है कि इसके ऊपर से जयपुर शहर के चारों कोनों को देखा जा सकता है। यहां आने वाले लोग इस इमारत से जयपुर शहर का नजारा देखकर काफी उत्साहित नजर आते हैं। ये जो सरगासूली बनाई गई थी, लोकल लैंग्वेज में सरगासूली के नाम से फेमस है ये, लेकिन ईसरलाट इसलिए कहा जाता है कि महाराजा ईश्वरी सिंह ने जब इसको बनाया था युद्ध के अंदर विजय प्राप्त करने पे, ये उनका विक्ट्री टावर था, तो उसके उपलक्ष्य में विक्ट्री के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था। 18वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया, और ये 7 मंजिला बिल्डिंग है जहाँ से अभी पूरा शहर का व्यू आप देख सकते हैं। जिस तरह से हवा महल 5 मंजिला है, ये 7 मंजिला है। इसमें पूरा ऊपर टावर बना हुआ है जहाँ से आप सिटी का व्यू देख सकते हैं। लेकिन महाराजा ईश्वरी सिंह जी ने अपने युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में इसको बना के एक शहर को एक सौगात पेश की थी, जिसको सरगासूली के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक स्थापत्य कला के लिए जयपुर विश्व प्रसिद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।